ऑलराइट गाइस, जैसा कि अभी पता चला है HBO Max ने एक बिग अनाउंसमेंट की है और बिगर अनाउंसमेंट ये है कि वॉरन ब्रॉस की सभी मूवी जो भी थिएटर में रिलीज होने वाली है वो सेम टाइम पर HBO Max के OTT प्लेटफॉर्म पर भी स्ट्रीम करेगी। इसका मतलब ये है कि मूवी रिलीज के टाइम ही थिएटर के साथ साथ स्ट्रीम भी होगी। तो अगर कुछ लोग जो होते हैं जो थिएटर नहीं जाना चाहते वो घर पर बैठकर भी मूवी देख सकते हैं। और जब मैंने HBO Max का ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत सारी मूवी दिखी, टॉम एंड जेरी मूवी, कंज्यूरिंग 3, सुसाइड स्क्वाड 2, गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग, स्पेस जैम, मैट्रिक्स 4 और भी बहुत सारी मूवी थी, लेकिन उनमें से पर्टिकुलरली मेरा ध्यान थोड़ा कुछ ज्यादा गया और वो मूवी है मॉर्टल कॉम्बैट। हमें पहले से ही पता था कि मॉर्टल कॉम्बैट के ऊपर भी एक मूवी आ रही है, लेकिन पहली बार मैंने मॉर्टल कॉम्बैट की मूवी की कुछ छोटी छोटी क्लिप HBO Max के ट्रेलर में देखी। मॉर्टल कॉम्बैट हमेशा वन ऑफ द माय फेवरेट गेम्स में से एक रहा है और मॉर्टल कॉम्बैट मैंने बहुत ही खेला है। लेकिन अगर बात करें मॉर्टल कॉम्बैट मूवी की, तो पहले की मॉर्टल कॉम्बैट मूवी गेम के मुकाबले कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहां पर एक तरफ गेम ने मॉर्टल कॉम्बैट का जो बार है वो इतना हाई सेट कर दिया है कि कोई भी मूवी अभी तक मॉर्टल कॉम्बैट के ऊपर ऐसी नहीं बनी जो उस बार को आधा भी टच कर पाए। सो इस मूवी की छोटी छोटी क्लिप देखकर मुझे थोड़ी सी उम्मीद तो जाग रही है कि ये मूवी बाकी पहले की मूवी से बेटर होगी, लेकिन क्या ये गेम के लेवल को टच कर पाएगी? तो चलिए इसकी थोड़ी कुछ क्लिप पे हम नजर डालते हैं। तो एक सीन तो ये है जहाँ पे आई एम 100% श्योर ये स्कॉर्पियन है, और उसकी बात की क्लिप है। ये सीन जो है ये सीन तभी का है जब सब जीरो और उसकी प्लान मिलकर स्कॉर्पियन और उसकी फैमिली को मार देते हैं। और मूवी का बिल्डअप तो यही से बनता है कि सब जीरो स्कॉर्पियन की फैमिली को मार देता है और स्कॉर्पियन अपना रिवेंज लेता है। जो मॉर्टल कॉम्बैट के दो दमदार कैरेक्टर है सब जीरो और स्कॉर्पियन, जिनकी राइवलरी सबसे फेमस और सबसे स्ट्रांग है मॉर्टल कॉम्बैट के हर गेम में, कोई मिले ना मिले लेकिन स्कॉर्पियन और सब जीरो मेन इंट्रो में जरूर मिलते हैं। उसके बाद में एक क्लिप है, यहाँ पर हम लेफ्ट से शुरू करते हैं जहाँ पर कैनो है, लू केन है, सोनिया ब्लेड है और जो फोर्थ कैरेक्टर है वो मुझे लगा था जॉनी केज होगा, लेकिन वो जॉनी केज नहीं है। वो एकदम ब्रांड न्यू कैरेक्टर है जो मॉर्टल कॉम्बैट मूवी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है कोलियम। कोलियम इस मूवी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोनिया ब्लेड पूरी तरीके से प्रिपेयर है मॉर्टल कॉम्बैट के लिए। उसके बाद एक आइकॉनिक सीन देख सकते हैं जहाँ पे सब जीरो वर्ल्ड फेमस सुपर नेचुरल शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी बर्फ से बनी हुई तलवार को बना रहा है, और ये सब सीन है जो मॉर्टल कॉम्बैट मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी में एक और क्लिप मुझे मिलती है, वो भी सब जीरो की है, जहां पे सब जीरो को देखा जा सकता है मॉर्टल कॉम्बैट का जो वर्ल्ड है उसके बाहर। तो इस सीन में सब जीरो है शहर के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर सब जीरो शहर के अंदर है तो स्कॉर्पियन भी शहर के अंदर जरूर होगा, लेकिन हमें स्कॉर्पियन का जो मेन लुक है वो एक बार भी किसी क्लिप में नहीं दिखा। सब जीरो की कॉस्ट्यूम या सब जीरो की पावर गेम जैसी तो कुछ लग रही है, लेकिन इसका असली अंदाजा तो तभी होगा जब ट्रेलर आएगा। कि ये जो कुछ चीजें थी जो मॉर्टल कॉम्बैट की मुझे HBO Max के ट्रेलर में से मिली, आई होप इसका ट्रेलर जल्दी आए और उसके बारे में हम फिर से बात कर सके। सो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।